आपकी वजह से मेरा काफ़ी अच्छा परसेंटेज बूस्ट हुआ है। नाइन्थ में एडमिशन हुआ था मेरा कोरोना के टाइम में, तो मेरा काफ़ी बैक लग चुका था। नाइन्थ में परसेंटेज इतना अच्छा आया था, 82-83 के आसपास था। तो फिर उसके बाद टेंथ में जब आया तो हमको क्वालिटी कोचिंग में मैथ्स के एक अभिषेक सर थे, जो कि बहुत ही बेस्ट टीचर थे मैथ्स के लिए, वो पढ़ाए मुझे, तो मेरा मैथ्स का मार्क्स काफ़ी इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैथ्स में बहुत डर लगता था। और ब्रिजेश सर भी बीच बीच में मैथ्स पढ़ाए मुझे, तो जो भी डाउट था वो हमेशा खड़े रहते थे। मतलब कि क्वालिटी कोचिंग मेरे लिए एकदम बेस्ट कोचिंग है अब तक का, जितना भी कोचिंग किया है। और कॉमर्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट। अकाउंट्स में जब मैं 11th में कॉमर्स लिया तो हमको थोड़ा सा भी ये नहीं था कि कॉमर्स लेके हम गलती कर दिया, क्योंकि कॉमर्स लिया मैंने इस कोचिंग में, ये पता नहीं कैसे एक लक था, एक स्टूडेंट के थ्रू आया था, और उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ कि 4 ईयर मेरा क्वालिटी कोचिंग में गया, बहुत अच्छा गया। और आगे भी मैं कभी कोचिंग में इस बोलूँ ना। और सब मेरी, मैं 11th में आया था, एक भैया थे उनके द्वारा, सर ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम मतलब बहुत कमजोर बच्चे हो, मतलब तुमको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। अगर चाहोगे कि अगर तो मतलब किसी को भी मतलब नीचा वगैरह दिखाने वाला नहीं, सबको मोटिवेट करना रहता है। और इनके अंदर में ये फील हुआ कि अगर हम कोई बच्चा अगर नहीं भी करने वाला होगा तो वो मतलब अच्छा स्कोर कर सकता है। मेरी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी 12th में, मैंने लास्ट डेज में 20 डेज में मैंने पढ़ के 65 स्कोर किया था। नहीं तो सर अगर मोटिवेट नहीं करते तो सकता है मेरा भी बैक लग सकता था। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर बीइंग सो लाइट। सबसे पहले मैं सर आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं जब 11th में कॉमर्स किया तो मैं बहुत क्रिटिसाइज हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं साइंस में सबसे अच्छा नंबर आया था मेरा 10th में। तो लोगों ने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया कि मैं बहुत सोचा, मैं तो कई बार सोचा कि मैं कॉमर्स चेंज करा लूँ साइंस के बाद, लेकिन ये था कि मोटिवेशन सर ने दिया कि कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करते रहो, जरूर सक्सेसफुल बनोगे। थैंक यू। एक ही चीज बोलना है कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। अगर सक्सेसफुल होता है तो एक ही मंत्र है, वो है कि जो भी आप डेली पढ़ रहे हैं उसका सेल्फ स्टडी, उसका रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप पीछे होते जाओगे। पर डे हम लोग रिवीजन करते आ रहे हैं, केवल हमें 2 आवर्स चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। आप लेक्चर ले लीजिए स्कूल में, आप लेक्चर लीजिए क्वालिटी कोचिंग में, कहीं भी ऑनलाइन भी लेक्चर ले दो, उसको सेल्फ स्टडी करके रिवाइज जरूर करना, तब आपका नंबर देखना कैसे आप नंबर गेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेल्फ स्टडी वाला जो पॉइंट है ना, उसको अपने माइंड में सोचना कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग केवल लेक्चर से सोचते हैं कि हम जो है अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, बट बुक उठाना और उसको रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली के लेक्चर्स केवल आप रिवाइज करेंगे, आपका नंबर आपको आपके रिजल्ट में दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। आगे जहां रहिए मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। देखो मार्क्स ये है, कोई 90 पाया, कोई 95 पाया है, कोई 83 पाया है, तो ये जरूरी नहीं है मार्क्स जस्ट नंबर, जैसे एज जस्ट नंबर, वैसे मार्क्स जस्ट नंबर। एक हम बता रहे हैं जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम नाम सब सुने और सुंदर पिचाई, ये सब सब थर्ड डिवीजन पास, लेकिन जानते हो कहां पर सबसे मेन फैक्ट कहां पर है? डिसिप्लिन, डेडिकेशन।
जो दोनों कंटिन्यू रखा। लाइफ देखो एक ही चीज है, कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी भले 1 घंटा पढ़ो डेली, लेकिन डेली अगर कंटिन्यूटी है, दुनिया कैसी कोई ताकत है तुम्हें रोक ले। और एक चीज और सुन लो, मोटिवेशन के लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूँ तुमको, एक आज जो है समुद्र पार ही कर जाओ। जब तक तुम लोग सेल्फ से मोटिवेट नहीं होगे, दुनिया की ताकत नहीं है तुमको मोटिवेट करने। सेल्फ जिस दिन मोटिवेट हो गए, बुद्ध नाम से जो है ना, बुद्ध महात्मा बुद्ध, वो 25-26 साल तक अपने घर पे रहे, वो अचानक बाहर निकले दुनिया देखे, इसके बाद वो बुद्ध हो गए, भगवान हो गए। ऐसा क्या हो गया? 6 साल लगा उनको बुद्ध बनने में। ऐसा क्या हो गया समथिंग अचानक ड्रास्टिक चेंज आ गया, बुद्ध बन गए? तो कोई ज्ञान ऐसा अचानक से नहीं मिलता है, डे बाय डे, पर डे, एवरी डे। और एक दिन आप वो पा जाओगे जो आप सोचे भी नहीं हो। और वो चीज पा जाओगे आपके साथ पूछते, एक नहीं, एक दो तीन चार नहीं, साथ पूछते हो। और बता रहे जैसे कि कोई आगे चल के हो सकता है नीट के एग्जाम दे, आईआईटी के एग्जाम दे, तो नीट एग्जाम में पर ईयर 3 लोग 4 लोग 720 में 720 पा रहे हैं। मतलब कंपटीशन का लेवल देख लो, यहाँ 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 नहीं है, यहाँ तक है, हो सकता है इससे ऊपर हो। 720 में 720 पाने वाले इस साल 30 लोग होंगे कम से कम। कितने लोग? 30 लोग। आईआईटी में 100% टाइम पाने वाले 10 लोग होंगे। तो लड़ना नहीं है कि लड़ोगे कहाँ, कंप्यूटर बैठ गए, छीनना है। एक विवेकानंद एक बात बोले थे ना, उठो भागो भाग चलो, क्या बोले थे, उठो जागो और ऐसे आप लोग फाइट एंड फाइट बाय वाले याद होंगे, लड़ो और उठ जाओ। एक लाइन है फिर बायो पढ़ा रहा, फिर एक लाइन है सुनो। डार्विन कहता है रिसेंट विद चेंज ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर आप ये लगना चेंज हो रहा सब देखो मल्टी आपके पास ये चीजें मिल गई सब चीजें, अगर परिवर्तन के साथ आप बदले नहीं खुद को, आप भी वही रह जाओगे जहां पहले, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो बदलने के लिए आप हो, और आपको बदलने के लिए सारे टीचर्स हैं, आपके बाद बेस्ट फैकल्टी आगे, जहां आप एकदम मस्त रहो, बिंदास रहो, चौकस रहो। थैंक यू।